हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलयन का सेकेंड लेक्चर लेकर। गाइस, इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे विलेय और विलायक के बारे में समझे थे। साथ में विलयन के प्रकार, जैसे संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैस विलयन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं और व्यक्त करने के लिए कौन कौन से टर्म्स का उपयोग किया जाता है, सभी के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट जो डेली डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य 90% की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर चुके हैं और डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, सभी लोग नीचे प्रेजेंशियल लिखना और संकल्प लेना कि जब तक पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करेंगे, जब तक पूरी तैयारी 90% की नहीं कर पाएंगे, जब तक पूरी सिलेबस का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं और पूरी डेडिकेशन के साथ में माँ सरस्वती को साक्षी मानकर पढ़ाई करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ये आप सभी लोग संकल्प लेना और डेली की डेली पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, विलयन की सांद्रता, क्या होता है विलयन की सांद्रता। और दूसरी बात गाइस, जो नए स्टूडेंट है, मैं सभी को बता दूं, आप सभी लोगों को मैं डेली क्लास का पीडीएफ भी देता हूं। क्लास के होने के अधिकतम 2 से 4 घंटे या अधिकतम एक या एक दिन के अंदर मैं उसका पीडीएफ दे देता हूं। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ होता है जो मैं क्लास में कराता हूं, सभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में देता हूं, नोट्स के फॉर्म में सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का भी दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप का भी दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन होकर इस क्लास का और इससे पहले सभी क्लासों का पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक के जरिए नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना अल्फा इंस्टीट्यूट, आपको चैनल आ जाएगा, एक बार देख लेना उसमें पीछे क्लास की पीडीएफ वगैरह अपलोड है कि नहीं। अगर अपलोड रहेगा अल्फा इंस्टीट्यूट के नाम पर काफ़ी पीडीएफ्स, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना, वो अथॉरिटी चैनल होगा, ठीक है। या फिर आप मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अल्फा इंस्टीट्यूट का एक ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक बेंजीन बैच बनाया हूँ जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री है, वहाँ पर भी मैं पीडीएफ देता हूँ और वहाँ पर मैं जैसे ही 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे वैसे ही वहाँ पर मैं टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें मैं देने स्टार्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन कैसे होना है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसी वीडियो को देख लेना, उसमें मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बैच कोड देखिए यह है ALPHA α22CHE, ये बैच कोड है और कैसे कैसे वहाँ पे बैच कोड डालकर ज्वाइन होना है, देख लेना, आप ज्वाइन हो जाओगे इजीली। अगर नहीं हो पाते हो ज्वाइन तो आप देखना यहाँ पर एक टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर, ये दोनों नंबर है 9305771375, वहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो टेक्निकल टीम आपको संपर्क करेगी और ज्वाइन करा देगी। लेकिन हाँ, एक बार अपने से ट्राई करके करना, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट डेली मैसेज कर देते हैं कि रिप्लाई देने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, इसलिए 2-3 दिन आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए सभी लोग अपने से ट्राई कर लेना, उसके बाद ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको पूरा पीडीएफ एक साथ भी अपलोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की यह क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग करिएगा सांद्रता, सांद्रता, ये सांद्रता क्या होता है। सांद्रता देखिए, पूरा यह चैप्टर सांद्रता के इर्द गिर्द चलने वाला है और सांद्रता आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। सांद्रता क्या होता है, देखिए सांद्रता क्या होता है, विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में विलेय की मात्रा, जो विलेय की मात्रा वहां पे घुली हो उसी को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्या है, विलयन के प्रति इकाई आयतन में विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। डिफिनेशन लिखिएगा सभी लोग, विलेय की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। डिफिनेशन क्या है, विलयन की प्रति
इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए ये डिफिनेशन है, आपके एग्जाम में सांद्रता का डिफिनेशन पूछता है, तो क्या बताओगे? कोई भी विलयन है उसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस डिफिनेशन को लिखेंगे, टाइप करेंगे, सभी लोग टाइप करेंगे ईमानदारी पूर्वक कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। किसी भी विलयन में उसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट टाइप करिएगा यह डिफिनेशन, किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो विलयन की सांद्रता क्या होता है? कोई भी विलयन है उसके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब ये जो विलयन होता है, विलयन की सांद्रता होता है, उसको व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं और सभी विधियां आपको पढ़नी है और सभी की सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको नर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये चार बताएंगे जो कि आपके लिए रामबाण है सेकेंड चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर यह नहीं आपको आएंगे तो पूरा सेकेंड चैप्टर नहीं आएगा। बात समझ में आया आप लोगों को? आगे चल के हम आपको क्या समझाएंगे, नर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये चार चीजें इस पूरी चैप्टर का रामबाण है। अगर आपको ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ठीक है, पूरे ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है, ये बेसिक है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे डिफिनेशन को निकाल देते हैं, जो छोटे छोटे कभी कभी एक नंबर में एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, चूंकि पूछते हैं इसलिए मुझे कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, विलयन की 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 सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सबसे पहला विधि क्या है? सबसे पहला विधि है आपका प्रतिशतता, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें से सबसे पहला विधि क्या है आपका? प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला है कि विलयन की सांद्रता जो है प्रतिशतता के विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया, आयतन प्रतिशतता हो गया, यानी परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना। जैसे आप लोग किसी चीज को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हो, सबसे बड़ी चीज आपका मार्क ही, जो आपका जैसे ट्वेल्थ बोर्ड में जो मार्क आता है, मार्क को आप लोग परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हो। जैसे कहते हो क्या आपने 500 में 420 नंबर पाया, ऐसा कहते हो क्या आप? कभी नहीं कहते हो, क्योंकि आप लोग ये कहते हो 84% पाया मैंने, यानी परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना, परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पे सांद्रता को हम लोग परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं, तो पूरे सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता के विभिन्न प्रकार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इस सभी चीजों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नहीं समझ में आया, परेशान नहीं होना है, आगे सभी चीजें समझ में आएंगी। तो प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करना, ठीक है, प्रतिशतता में सबसे पहला आप लोग लिखिएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, सबसे पहला आप लोग लिखिएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका क्या मतलब हुआ? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा या ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। कोई विलयन ले लीजिए, सबसे पहले एक बार समझिए सभी लोग, विलेय और विलाय क्या होता है। मैंने बताया था आपको कल कि कोई भी विलयन बनता है विलयन कोई बना तो यह विलयन कैसे बनता है? विलेय और विलायक से बनता है। कोई भी विलयन विलेय और विलायक से बनता है। विलेय और विलायक से बनता है।
विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह आपका विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका विलेय होता है। मैंने आपको कल बताया था नमक, चीनी और पानी का एग्जाम्पल लेकर। चीनी और पानी में अगर कोई शरबत बनाते हैं उसमें चीनी की मात्रा आप लोग कम डालते हो, अगर 10 लीटर पानी लोगे उसमें 1-2 किलो चीनी डालोगे, यानी चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वह आपका क्या होता है, विलेय होता है। ये चीनी क्या हुआ, विलेय हुआ। और जिसकी मात्रा अधिक होती है यह आपका क्या होता है, विलायक होता है। कोई भी विलयन में जिसकी मात्रा कम वह आपका विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वह आपका विलायक। बात समझ में आई सभी को, विलेय और विलायक कौन कौन से होते हैं सभी को समझ में आया, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, तो इसका पूरा कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। फिर से समझिएगा, कोई भी विलयन बनता है विलेय और विलायक से बनता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, आप अपने आप से पूछोगे भाई साहब इसमें किसकी मात्रा कम है। मान लीजिए आप ये शराब बनाए जो पीते हैं सभी लोग, शाम को पीने वाले पीते हैं, ठीक है। तो शराब में क्या हुआ, आपके सामने रखा गया, शराब में आपसे पूछा जाएगा कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, तो आप लोग बताओगे जो एथिल अल्कोहल होता है जो आप दुकान से खरीद कर लेकर लोग लेकर आते हैं, वह पानी में उसको थोड़ा सा मिलाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। ये नहीं कि उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक लीटर में एक गिलास पानी मिलाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। एक गिलास में 2-4 ढप्पन मिलाते हैं, यही करते हैं ना। तो जो मात्रा कम है, एथिल अल्कोहल का मात्रा कम है तो वह आपका क्या हुआ, विलेय हुआ। जिसकी मात्रा अधिक होती है वह आपका क्या हुआ, विलायक। इस बात को समझना, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको बता रहे थे कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, समझिएगा सभी लोग द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। इधर आइए सभी लोग, समझिए इधर आइए सभी लोग। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। इसमें क्या हुआ, देखिए ये द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा। हमने क्या किया, 100 ग्राम विलयन लिया, क्या लिया, विलयन लिया। इसमें उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा। देखिए विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आया आपको, देखिए विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आया, किस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो। देखिए डिफिनेशन समझिएगा, विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। बात समझ में आई, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की जो मात्रा होती है ग्राम में होती है उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी द्रव्यमान प्रतिशतता को हम लोग परसेंटेज स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू प्रतिशत करते हैं। अगर इसको आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या होगा, पदार्थ की ग्राम में भार, पदार्थ की ग्राम में भार, ये ऊपर हो गया, ये जो कि विलेय है, ठीक है, यह आपका विलेय है। नीचे क्या होगा, विलयन का ग्राम में भार, विलयन का ग्राम में भार, ठीक है, इंटू 100। फिर से समझिएगा सभी लोग, फिर से समझिएगा। मैं मुझे मालूम है पहली बार समझ रहे हो, पहला पॉइंट्स है, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लास्ट तक बने रहोगे तो सभी चीज़ें, ये काफ़ी बार रिपीट होगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। समझिएगा सभी लोग, कोई भी विलयन है उसके 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आप 100 ग्राम पानी लिए उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दिए तो उसका द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगा। मैंने 100 ग्राम पानी लिया इसमें 10 ग्राम चीनी मिलाया, अगर इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता पूछे जाएगा तो क्या किया जाएगा, पदार्थ की ग्राम में भार, यानी इसका चीनी का, ये चीनी है तो चीनी का ग्राम में भार कितना है, 10, और विलयन का ग्राम में भार क्या, 100,
ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 10%। बात समझ में आया? यानी 100 ग्राम में जितना ग्राम में मात्रा डालोगे वह द्रव्यमान प्रति सत्ता कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बने रहिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, नेक्स्ट आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, नेक्स्ट सभी लोग एक बार हेडिंग करिएगा, एक बार इसे समझिए। विलेय के 100 ग्राम में उपस्थित विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में, ये विलेय की जो मात्रा होगी ग्राम में मात्रा आपकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। बोलिए समझ में आया सभी को? बोलिए एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अरे बोलिए सभी लोग, अब नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। नेक्स्ट क्या आता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, नहीं उससे पहले हम लोग आयतन प्रतिशतता समझेंगे, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे। आयतन प्रतिशतता देखिए, ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आयतन प्रतिशतता क्या होता है? विलेय पदार्थ की मिली में वह मात्रा जो 100 मिली विलयन में घुला हुआ हो उसे आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या हो रहा था, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता था। बस जहाँ पे द्रव्यमान है वहाँ पे आयतन लिख दीजिए, यानी 100 मिली, चूंकि आयतन तो ग्राम में नहीं होगा ना, मिली में होगा, तो 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशतता कहलाता है। समझिएगा डिफिनेशन, वह पदार्थ की मात्रा जो कि 100 मिली में उपस्थित हो, कोई भी विलयन के 100 मिली में उपस्थित हो, विलेय पदार्थ की वह मिली में मात्रा जो कि किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान। उसे क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आइए लिखते हैं इसका डिफिनेशन, विलयन की 100 मिली में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा आयतन प्रतिशतता आयतन प्रतिशतता कहलाता है। फिर से समझिएगा, विलेय की 100 मिली में उपस्थित विलेय की मिली में मात्रा यह आपका आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल वी अपान कैपिटल वी परसेंटेज से निरूपित करते हैं। यह क्या होता है? विलेय की मिली में मात्रा अपान विलेय की मिली में मात्रा हो गया, नीचे क्या हुआ? विलयन की 100 मिली, ठीक है, विलयन की क्या होगा? विलयन का भार 100 मिली में, ठीक है, इंटू 100, यह आपका आयतन प्रतिशतता हुआ। विलेय की मिली में मात्रा नीचे क्या हो जाएगा? विलयन की द्रव्यमान, वो भी मिली में, इंटू 100, यह आपका क्या हुआ? आयतन प्रतिशतता। यानी 100 मिली में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 मिली में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये 100 मिली हटा भी सकते हैं, विलेय की मात्रा वो भी मिली में, ये हो गया। तो हमने दो मात्रा पढ़ा, पहला तो द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा। द्रव्यमान प्रतिशतता में क्या जाना हमने कि 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पे हमने बताया आयतन प्रतिशतता, यानी 100 मिली में उपस्थित विलेय की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है? 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता और 100 मिली में उपस्थित विलेय की मात्रा आयतन प्रतिशतता। यहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे द्रव्यमान था। 100 विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या था? द्रव्यमान प्रतिशतता था।
विलयन की 100 मिली में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या है? आयतन प्रतिशतता है। समझ में आया आप लोगों को? बस ग्राम और मिली में चेंजमेंट है, ठीक है, ग्राम और मिली में चेंजमेंट है, ठीक है, ग्राम और मिली में चेंजमेंट है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को करिएगा, उसके बाद कुछ आगे का आपका मोलरता वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। तो गाइस देखिए, वहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन इजी है, जो कि इस डिफिनेशन को समझने के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, आइए क्वेश्चन को। 100 मिली इथेनॉल है, 320 मिली जल में घुला है, इथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आप यहाँ पे ज्ञात कीजिए, कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है। देखिए 40 मिली है आपका इथेनॉल, कितना है 40 मिली, ठीक है। तो 40 मिली यहाँ पे 320 मिली, तो कौन आपका अधिक है, कौन आपका कम है? तो 40 मिली कम है, इसलिए 40 मिली क्या हो गया, 40 मिली इथेनॉल ये क्या हुआ, आपका विलेय हुआ, यह आपका विलेय हुआ, ठीक है। और 320 मिली जल, यानी 320 मिली जल यह आपका क्या हुआ, विलायक हुआ। देखिए 40 मिली इथेनॉल आपका विलेय हुआ, 320 मिली जल आपका विलायक हुआ। देखिए ये दोनों घोले गए हैं, तो इसका आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। आपको मालूम है आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे डिफिनेशन समझिए। विलेय की मात्रा, वो भी किस में, मिली में, नीचे विलयन की मात्रा होती है, यहाँ पे विलयन की मात्रा नहीं दिया हुआ है, तो विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है विलयन की मात्रा जो होती है कैसे होती है, विलेय प्लस विलायक से बनती है, विलेय और विलायक से विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा क्या है, 40 है, विलायक की मात्रा क्या है, 320, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360, यह आपका मिली विलयन हो जाएगा, यह मिली विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आयतन प्रतिशतता निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें करना क्या है, ऊपर विलेय की मात्रा रखना है, नीचे विलयन की मात्रा रखना है मिली में, और उसमें 100 का गुणा कर देना है, आयतन प्रतिशतता आ जाएगा। ऊपर विलेय की मात्रा 40 रखेंगे, नीचे 360 विलयन की मात्रा इंटू 100 करेंगे, ये देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 4×9=36, यह आ जाएगा क्या, 100/9, इसका वैल्यू क्या होता है, 100/9 का वैल्यू होता है 11.11%, ठीक है, ये होता है। तो ये आपका आंसर होता है, इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। बात समझ में आई सभी को, ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है, पर थ्योरी तो समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट, हेडिंग करिएगा नेक्स्ट क्या है आपका। आप सभी के लिए एक डिफिनेशन मैं छोड़ रहा हूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में क्या होता है, किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यहां पे देखिए या तो ग्राम ग्राम था या तो मिली मिली था, तो यहां पे उल्टा दोनों मिल जाएगा। किसी विलयन के 100 मिली में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कराता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये थोड़ा कम पूछता है। वैसे मैं पीडीएफ में दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ में दिया हूँ आप लोग देख लीजिएगा। अब हेडिंग कर लीजिएगा पीपीएम या पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, ये क्या होता है, इसको जानने से पहले एक बात समझिएगा सभी लोग। देखिए इसमें क्या होता है, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10^6 यानी एक 1 मिलियन के या 10 लाख में उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्ट प्रति विलयन, जिसे आप लोग इंग्लिश में पीपीएम कहते हैं। ये क्या होता है, कोई भी विलेय उसकी वह मात्रा जो कि विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित हो, किसी भी विलयन में पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। किसी विलेय की पदार्थ के भागों की वह मात्रा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन, किसी विलेय की
पदार्थ के भागों की वह मात्रा, भागों की वह मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की भागों की वह मात्रा जो विलयन के 10^6, 10^6 यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन में उपस्थित हो क्या कहलाता है? पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है। डिफिनेशन समझ में आया? किसी विलेय के पदार्थ की वह मात्रा, किसी विलेय की पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के 10^6 यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख में उपस्थित हो उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। यानी विलेय की द्रव्यमान होता है नीचे, विलेय की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान इंटू 10^6 ये आपका हो जाएगा ppm का डिफिनेशन। फिर से समझिए, किसी विलेय पदार्थ की वह भाग जो विलयन की 10^6 यानी 1 मिलियन में उपस्थित हो उसे पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह भाग जो 10^6 यानी 1 मिलियन में उपस्थित हो यानी 10 लाख में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? ppm या पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। ppm इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय की द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान इंटू 10^6। समझ में आया? ठीक है, अब हेडिंग करिएगा मोलरता, हेडिंग करिएगा मोलरता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाव, 4 लेक्चर आने वाली आपके लिए, इसके आगे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं केवल बताऊंगा मोलरता क्या होता है, डिफिनेशन बताऊंगा, आगे के 4 लेक्चर में मैं विद क्वेश्चंस इस सभी क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं और ये सभी चीज़ें आएंगी तभी आपको आगे समझ में कुछ आएगा, नहीं आएंगी तो नहीं समझ में आएगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना, हेडिंग करिएगा मोलरता। हेडिंग करिएगा मोलरता, मोलरता और मोललता दोनों साथ साथ में करेंगे हम लोग। हेडिंग करिएगा मोलरता, अगर नहीं समझ में आया तो परेशान मत होना, आगे आपको समझ में आ जाएगा, कल के लेक्चर में जरूर आना सभी लोग। हेडिंग करिएगा मोलरता, मोलरता क्या होता है, बात को समझिएगा, मोलरता क्या होता है समझिएगा बात को सभी लोग। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाता है? विलयन की मोलरता कहलाता है। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में, किसी निश्चित ताप पर विलयन की प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मोलों में मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। बात को समझिएगा, किसी विलयन के एक निश्चित ताप पर, किसी विलयन के निश्चित ताप पर, कोई भी विलेय है, किसी विलयन के निश्चित ताप पर विलयन की प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। नहीं समझ में आया, इधर आइए समझिए, नीचे क्या होता है इसमें मोलरता, मोलरता क्या होता है? देखिए विलयन की आयतन की मात्रा लीटर में, विलयन की मात्रा लीटर में यानी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा, विलेय की मोलों की मात्रा इंटू 100, यह आपका मोलरता निकल जाएगा। बात को समझिएगा, मोलरता का डिफिनेशन
तब आपको समझ में आएगा। समझिए मैं जो लिखना था लिख लिया हूँ यहाँ पे, बात को समझिएगा। मोलरता होता क्या है? विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की मात्रा, 1 लीटर में जितना विलेय की मोल उपस्थित होंगे वही आपकी विलयन की मोलरता कहलाता है। विलयन की प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। डिफिनेशन सभी लोग एक बार कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, इंपॉर्टेंट है। विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। डिफिनेशन के अनुसार यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लिखें तो नीचे क्या हो जाएगा? विलयन की मोलों की मात्रा, ठीक है, विलयन की मात्रा हो जाएगा लीटर में, इसमें उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा ऊपर हो जाएगा, आपकी यह मोलरता के बराबर हो जाएगी। फिर से समझिएगा, किसी निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की मात्रा नीचे विलयन की मात्रा लीटर में इंटू 100, यह आपकी विलयन की मोलरता हो जाएगी। बात समझ गए? बात करते हैं विलयन की मोलरता की। उससे जानने से पहले मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? इस बात को समझ लीजिए। मोलों की संख्या क्या होता है? कोई भी विलेय पदार्थ हो उसकी ग्राम में मात्रा लेते हैं, जिसे आप लोग स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, अपान नीचे क्या करते हैं? विलेय पदार्थ की अणु भार, जिसे आप लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 40 ग्राम NaOH है, तो क्या करोगे? 40 ग्राम NaOH है, इसका मोलों की संख्या ज्ञात करना है 40 ग्राम, तो ऊपर क्या होगा? विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी 40 ऊपर हो जाएगा, नीचे NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार कैसे? जैसे Na का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, इनका सबका अणुभार जोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे, वो भी 40 ही होता है करीब में, तो आपका ये क्या होता है? विलेय का मोलों की संख्या निकल जाएगी। वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, परेशान मत होइए, यहाँ पे डिफिनेशन पर फोकस कीजिए आप सभी लोग। तो विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। ये तो आपका मोलरता का डिफिनेशन हो गया। आगे हम लोग जानते हैं मोलरता क्या होता है। हेडिंग करिएगा मोलरता। देखिए यहाँ पे अंतर है, ये देखिए मोलरता है, ये मोलरता है, ये मोलरता है, वह मोलरता है, दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मोलरता भी इंपॉर्टेंट है, मोलरता भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वह मोलरता है, ये अगला क्या है? मोलरता है। मोलरता किसे कहते हैं? विलाय के 100 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कराती है? विलयन की मोलरता कराती है। विलायक, यहाँ पे देखिए विलयन था, यहाँ पे विलायक होगा। विलायक के 100 ग्राम लिख सकते हैं परिभाषा, विलायक के 1000 ग्राम कोष्टक में 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए विलायक के 100 ग्राम यानी 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। विलायक के 100 ग्राम यानी 1 kg में उपस्थित विलेय की मोलों की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी यहाँ पर क्या था, एक बात समझिएगा, मोलरता और मोलरता में अंतर समझिएगा। यहाँ पे क्या था? निश्चित ताप पर विलयन की प्रति लीटर में उपस्थित, यहाँ पे विलयन था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? विलाय के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। यानी मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर के विलेय की मोल ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? ऊपर विलेय का मोल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? विलायक
विलायक का अविलायक का मात्रा मात्रा, वो भी किस में? ग्राम में, वो भी किस में? ग्राम में या फिर किलोग्राम में, वो भी किस में? किलोग्राम में। आप ग्राम किलोग्राम में लिखिए, केजी लिखिए, ठीक है, केजी में। बात समझिएगा सभी लोग, इंटू हंड्रेड, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर मोललता निकालने के लिए कहा जाएगा तो अब पर भी आपको विलेय का मोल ज्ञात करेंगे, लेकिन नीचे यहाँ पर विलयन का मात्रा लीटर में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर विलायक की मात्रा, विलयन का नहीं, विलायक की मात्रा किलोग्राम में रखेंगे, तो मोललता निकल के आएगी। वैसे इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक लेक्चर में, केवल एक लेक्चर लेंगे मोललता के बारे में, एक लेक्चर लेंगे मोललता के बारे में, एक लेक्चर लेंगे आप सभी के लिए क्या होता है नर्मलता के बारे में, एक लेक्चर लेंगे क्या अणु क्या मोल प्रभाज के बारे में। परेशान नहीं होना आपको, बस केवल आज डेफिनेशन सीखना है, आगे मैं सभी चीज़ें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए फटाफट, चलिए अब हम लोग नॉर्मलता हेडिंग करिएगा आप सभी लोग, नॉर्मलता आप सभी लोग हेडिंग करिएगा, नॉर्मलता हेडिंग करिएगा, नॉर्मलता। हेडिंग करिएगा नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता क्या होता है? देखिए नॉर्मलता क्या होता है, किसी स्थित ताप पर विलयन में के एक लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। स्थिर ताप पर आप लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर विलयन की एक लीटर लीटर विलयन के एक लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। विलयन के एक लीटर में उपस्थित स्थिर ताप पर विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पे क्या होगा विलेय के, आप विलेय मत लिखिए, ठीक है, विलयन के एक लीटर में उपस्थित घुलित या उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। एक लीटर में जितना भी ग्राम तुल्यांक घुले होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। समझ में नहीं आया तो परेशान मत होना, नॉर्मलता का न्यूमेरिकल कराएंगे और इसकी काफ़ी डिफिनेशन होता है और इसका काफ़ी फार्मूला होता है, उसे भी कराएंगे सेपरेट लेक्चर में। अभी आप यहाँ समझ लीजिए कैसे कैसे व्यक्त करते हैं। तो स्थिर ताप पर विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है, इसे लिखिएगा सभी लोग। नॉर्मलता यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलता यन इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में, विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन बटे लीटर में, यह आपका नॉर्मलता के लिए फार्मूला है। आप इसे लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू पानी अपान आयतन लीटर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला वगैरह के चक्कर मत पड़िए, इसको हम कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, पूरे चैप्टर की फार्मूला सभी कराएंगे, परेशान मत होना सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट एडिंग करिएगा मोल प्रभाज, सभी लोग मोल प्रभाज आप इसे नोट कर लीजिए, चलिए हेडिंग करिए आप लोग मोल प्रभाज, सभी चीजें मैं कराऊंगा, मोल प्रभाज भी अलग से मैं कराऊंगा, उसका क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है, हेडिंग करिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज एक विलयन में, जैसे देखिए कोई भी विलयन का में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक,
कोई भी विलयन होता है उसमें दो घटक होते हैं, विलयन उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है एक विलायक होता है। मान लीजिए विलेय के जो होते हैं इसका मोल जो होता है इसका मोल यम ए हो गया, विलायक का मोल डब्ल्यू ए लिखिए डब्ल्यू ए, विलायक का मोल मोलों की संख्या डब्ल्यू बी हो गया, ठीक है। तो इसका मोलरता क्या होगा, इसका मोल प्रभाज क्या होगा, देखिए जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा उसका मोल ऊपर हो जाएगा और दोनों का मोल नीचे जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछे तो क्या होगा, डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये आप जो का हो जाएगा विलायक का मोल। बात समझ में आई, देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए ऊपर क्या लेंगे विलेय की मात्रा लेंगे, विलेय का जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा ऊपर उसका मोल लेंगे नीचे पूरा संपूर्ण मोल ले लेंगे, जिसका भी मोल पूछेगा उसका मोल ऊपर लेंगे नीचे संपूर्ण मोल ले लेंगे, तो ये आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। मोल प्रभाज क्या होगा, ऊपर उसका मोल लेंगे जिसका मोल पूछेगा, जिसका मोल प्रभाज पूछेगा नीचे संपूर्ण मोल ले लेंगे, तो मोल प्रभाज निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, परेशान नहीं होना है, क्योंकि मोल प्रभाज के लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा, वहां पे 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे सभी चीजें मोल प्रभाज मोलरता नॉर्मलता मोललता पे डिपेंड है, इसलिए मैं सभी चीजों को मुझे अच्छा से समझाना है, परेशान नहीं होना है, धैर्यतापूर्वक रहना, एक बार जितनी भी चीजों को मैं आज बताया हूँ सबको एक बार रिवीजन करना, रिपीट करना, ठीक है, अपने से एक बार समझना, लेक्चर को एक बार और सुनना, ठीक है, और आने वाले 4 से 5 लेक्चर में लगातार सभी लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद आप सभी को।